हाय एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि वो लुक मैंने मेकअप में बनाई थी जो बारबी लुक थी, तो उसके बाद अब जो था मैं ये वाली लुक बना रही हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस टाइम तक कुछ भी नहीं पता था कि मैं मेकअप में क्या करने लगी हूँ। मैं बस बैठ गई थी कि आज वीडियो बना के रहेंगे, और मेरा हेयर स्टाइल मैंने बस 2 घंटे लगा के बनाया था। हाँ, मुझे टाइम लगता है हेयर स्टाइल बनाने में अपना, तो है मैंने बनाया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, अब मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं जो मैं 5-6 लुक में पहन चुकी हूँ। देखिए, मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, मैं यहाँ पे अपना मेकअप दिखाने आई हूँ, कपड़े नहीं, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इस तरह चलो शुरू करते हैं, ब्लू कलर उठाते हैं। और मैंने जो ब्लू कलर उठाया था वो दिख नहीं रहा था, जैसे कि ये हमेशा का मेरा रोना होता है। उसके बाद है मैंने कहा कि चलो सारा जो स्ट्रेस द प्रोसेस, मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्लू कलर को ज़्यादा करती गई। और मैंने वो सिर्फ एक गाइडलाइन बनाई, क्योंकि ये वाला मेकअप भी सारा कट क्रीज का काइंड ऑफ था कि फाउंडेशन से मैंने इसको सबको साफ करना था। और उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट पैलेट निकाली और उसमें से जो ब्लू कलर था उसको लगाया। और यहाँ पे ये सब कुछ मैसी चल रहा है, इसको भी साफ करना है और इसकी लुक बनानी है। तो अब मैंने वही जो सी फाउंडेशन थी ली, और उससे जो सा मैंने कट क्रीज कर ली इस स्टाइल में। टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला स्टाइल किया है। ये काफ़ी मिलता जुलता पुराने स्टाइल से, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये डिफरेंट है। तो है मैंने किया। उसके बाद मुझे वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने शिमर थोड़ा सा वाइट वाला लगाया, जिससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वाइट एरिया लगे जो जिस एरिया में मैंने फाउंडेशन लगाई है। उसके बाद जी मैंने आई लैशेस लगा के लुक कम्प्लीट की। मैंने लाइनर ज़्यादा डार्क नहीं लगाया था, क्योंकि अगर मैं लाइनर लगाती तो जो नीचे वाला मैंने ब्लू कलर से लाइनर बनाया ना, वो जोर से ज़्यादा ब्लैक लगने लग जाता, और वो मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने लाइनर नहीं लगाया। सिर्फ आगे से ना जिनसे मैंने इन्हें लाइनर लगाया था, उनसे सूट बनाई थी आगे से तोते की। उसके बाद मेरे पास ना तो जो मेरा ब्राउनजर था ना, वो बेड पर पड़ा हुआ था, और मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो जो आई शेडो पास पड़ी है ना, उसी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि मेरा इतनी लेजी हुई थी ना, मैं कहा मैं नहीं जा रही बेड पर भाई अपना ब्राउनजर भी उठाने। तो हेयर मैंने जो है ना, फिर उसी पैलेट से अपनी कंट्रोलिंग करनी स्टार्ट कर दी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है लाइक करना। तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करिएगा और इंस्टा पे भी फॉलो करिएगा। थैंक यू। अच्छा, तो उसके बाद उनसा मैं इसमें ना अभी मैं बीच में दिल से खुश हूँ, क्योंकि ये वाला मेकअप लुक जो है ना अच्छा हो गया। इसलिए ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं स्टाइल में मेकअप नहीं करती होती, ये काफ़ी यूनिक और अलग स्टाइल जो मैंने आज ट्राई किया है। और अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं इसकी ना तफसील से आपको बताऊँगी कि कैसे होता है और ये डिफरेंट कैसे है। वो अलग बात है। उसके बाद जो मैंने कंट्रोलिंग करने के बाद, क्योंकि मैंने ब्राउनजर से की थी तो फिर मैंने वो फैल जाती है थोड़ी ब्राउनजर से जब आप करते हैं, मुझे क्रीम कंट्रोल इसीलिए ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने जिनसा ये लिया अपना क्या कहते हैं इसको कॉम्पैक्ट लिया, और उससे साफ़ कर लिया अपना जो जिधर जिधर वो फैला हुआ था। और नोज़ में भी थोड़ा सा पहले ही लगा लिया, अभी मैंने नोज़ की कंट्रोलिंग नहीं की थी, टिंट मैंने पहले ही थोड़ा सा लगाया हुआ था मेकअप से पहले ही, मतलब कैमरे के लिए थोड़ा सा मैंने टिंट लगा लिया था, तो वो काफ़ी ब्लशी हुआ हुआ था। है मैंने बाद में थोड़ा सा ब्लश लगाया था। उसके बाद जी मैंने अपनी नोज़ की कंट्रोलिंग की। नोज़ की कंट्रोलिंग मैं हर दिन मुख्तलिफ तरीके से करती हूँ। इसका कोई रीज़न नहीं है, जस्ट मुझे जिस दिन मुझे नोज़ की कंट्रोलिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, और मैं न्यू स्टाइल उसमें भी ट्राई करती हूँ, यू नो, कभी ऐसा कभी वैसा, कुछ सूट करते हैं कुछ नहीं करते। तो हाँ, यही है हमारी कहानी। अच्छा, तो मैंने नोज़ की कंट्रोलिंग की अच्छे से। इतना बोलना भी कितना मुश्किल है ना। तो है उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, देखिए मैं फिरनी हूँ तो इसलिए मुझे मैंने नोज़ को कंट्रोल करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी भी अगर आप मेरी वीडियो इधर तक देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके बाद मैंने टिंट लगाया हुआ था, बताया था, तो मैंने लाइट सा पीच कलर का जो सा पिंक ब्लश लगाया, और अपना फेवरेट हाईलाइटर लिया और लगा दिया पूरे मुँह के ऊपर हाईलाइटर। ये हाईलाइटर जब भी लगता है मेरी पता नहीं आंखें ऐसे क्यों दो गज और खुल जाती हैं, मुझे इतना पसंद है हाईलाइटर। किसको नहीं पसंद हाईलाइटर, मुझे कोई पता है सारा कमेंट सेक्शन में, किसको नहीं पसंद, सबको पसंद होती है ये चीज़। और फिर जब मैं एक दफ़ा लगाती हूँ तो मैं कहती हूँ सारा नहीं, मैं बस इधर ही लगाऊँगी, और फिर लगाते लगाते मुँह का कोई कोना नहीं छोड़ती मैं, और सारी जगह पर हाईलाइटर लगा देती हूँ। एंड तो फिर मैंने अपनी नोज़ पर हाईलाइटर लगाया, और
देखें जितना चमका सकते हैं उतना चमकाएं अपने नाक को, नाक खड़ी नज़र आनी चाहिए। उसके बाद जी मैंने अपनी लिप्स के इधर लगाया ताकि ये जगह भी थोड़ी इन्हेंस हो जाए, ठुड्डी पे भी लगा लिया और फिर जो जो जगह नज़र आ रही थी हर जगह पर हाईलाइट थोप लिया मैंने। उसके बाद जी अब बारी थी लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक से पहले मैंने सोचा कि मेरे पूरे फेस में सिर्फ एक ही तिल है जो ठोटी पे पड़ता है, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा डार्क करते हैं और वो मैं कैमरे में देख के कर रही थी और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। फिर हेड मैंने उसको साफ़ करके बाद में दोबारा बना लिया था। उसके बाद जी लिपस्टिक की बारी थी, तो मैंने अपनी ब्राउन पेंसिल ली और उससे अपने लिप्स बनाए, नेचुरल शेप रखी थी, ज़्यादा उनको बड़ा नहीं किया या ज़्यादा छोटा नहीं किया, जो उनकी नेचुरल शेप थी वही मैंने रखी। और मैंने थोड़ी ब्राउन न्यूटी काइंड ऑफ, मतलब अगर आप कैमरे के बगैर ये लिपस्टिक देखें तो डार्क थी, पर कैमरे में ये न्यूट लगती थी, तो आपके लिए ये न्यूट होगी लेकिन मेरे लिए थोड़ी डार्क न्यूट थी। उफ़ कितनी कॉम्प्लिकेटेड इंसान में। खैर उसके बाद मैंने 2 मिनट में अपनी जोन से किया, फिर मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया और Sunday.